हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्योति फूड एंड ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोग के लिए एक और माइक्रोवेव की रेसिपी लेकर आई हूं। आज हम लोग अपने माइक्रोवेव में बनाने वाले हैं क्रिस्पी भिंडी। यदि हम इसे गैस पे बनाते हैं ना, तो हमें इसे डीप फ्राई करना पड़ता है और फिर ये जो भिंडी होती है बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। लेकिन हम इसे आज बनाएंगे माइक्रोवेव में, बस 2 चम्मच तेल का इस्तेमाल करेंगे और ये हमारी लाजवाब सी क्रिस्पी जो भिंडी है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब बकबक बंद करते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो क्रिस्पी भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 किलो भिंडी और इसको मैंने धो के अच्छी तरह से सुखा लिया है। अब इन भिंडियों को हमें अच्छी तरह से इस तरह से कट कर लेना है। आप चाहें तो इतनी लंबी लंबी साइज भी रख सकते हैं या तो फिर इनको इस तरह से छोटा भी कर सकते हैं, साइज आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो मैं जल्दी से इन भिंडियों को कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, हमारी जो भिंडी है वो बिल्कुल कट के तैयार है। अब हमें इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें डालना है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, देन उसके बाद हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, देन उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी धनिया पाउडर और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन, देन उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच राइस फ्लावर। यदि आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप 2 चम्मच मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच करीब अमचूर पाउडर और उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। देन उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और अब हम डालेंगे इसमें सिर्फ 2 चम्मच करीब ऑयल और अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, जिससे जो भी हमने मसाले इसमें डाले हैं वो भिंडी में अच्छी तरह से लग जाएं। ये देखिए, भिंडी में जो मसाला अच्छी तरह से कोट हो चुका है और अब हम इसको डालेंगे एक बेकिंग ट्रे में। आपके पास जो भी बेकिंग ट्रे है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये बेकिंग ट्रे है जो कि मुझे माइक्रोवेव के साथ ही मिली थी, तो मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। नीचे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है, देन उसके बाद जितनी भी जो भिंडी है वो सारी हमें इसमें इस तरह से डाल देना है और इसको थोड़ा सा फैला देना है। तो अब हम इसे रखेंगे माइक्रोवेव में कुक करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको माइक्रोवेव में रखना पड़ेगा हायर रैक। माइक्रोवेव के साथ तो 2 रैक मिलते हैं, एक लोअर एक हायर, तो आपको हायर रैक रखना है। देन उसके बाद आपको रखना है भिंडी को। देन उसके बाद आपको जो माइक्रोवेव है उसका मोड सेट करना है। तो यहाँ पर आपको माइक्रोवेव का मोड सेट करना है ग्रिल मोड। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ से सेट कर दिया है माइक्रोवेव का ग्रिल मोड। जैसे ग्रिल मोड सेट करते हैं देन उसके बाद आपको यहाँ पर लगाना है टाइम। तो यहाँ पर आपको लगाना है 30 मिनट का टाइम। 30 मिनट्स के बीच में आपको जो भिंडी को 1 से 2 बार करीब इसको चला देना है, क्योंकि हम इसे ग्रिल मोड में कुक कर रहे हैं और ग्रिल मोड में सिर्फ ऊपर की तरफ ही हीट लगती है। तो जब हम इसको इस तरह से चला देते हैं तो जो नीचे वाली भिंडी होती है वो भी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, आपको कम से कम 1 से 2 बार इसे जरूर चलाना है। तो यहाँ देखिए, 30 मिनट्स करीब हो चुके हैं और चलिए अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि जो भिंडी है वो किस तरह से बनके तैयार हुई है। ये देखिए, एकदम क्रिस्पी भिंडी जो है वो उनको बनके तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से आप माइक्रोवेव में भिंडी को बना सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही कम ऑयल में आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ हम सब लोग से नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।